पूरा बिहार डूबा हुआ है। बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी होम डिलीवरी करवा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने सही बयान दिया है, तो नीतीश कुमार जी को सोचना होगा ना कि समीक्षा बैठक आखिर कर क्यों रहे हैं। समीक्षा बैठक एक ढोंग है पूरे तरीके से। ये ढोंग करने से कोई फायदा है? मैं पूरा बिहार डूबा हुआ है, पूरे शराब में जहाँ जहाँ बिहार में बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी होम डिलीवरी करवा रहे हैं। एक तो उसमें नई बात क्या हो गई? इसमें जीतन राम मांझी ने सही बयान दिया है, तो फिर समीक्षा बैठक क्यों हो रही है? लगातार कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है। नीतीश कुमार जी को सोचना होगा ना कि समीक्षा बैठक आखिर कर क्यों रहे हैं। समीक्षा बैठक एक ढोंग है पूरे तरीके से। ये ढोंग करने से कोई फायदा है? कोई लाभ हो रहा है? शराब तो मिल रहा है चारों तरफ, शराब तो बिक रहा है ना। शराब कहाँ लगाम कस रहा है? अधिकारी ही शराब पी करके पूरे तरीके से जिस तरीके से घटना आया गोपालगंज में, किस तरीके से जो थानेदार जो था दारू पी करके लिप्त है पूरे तरीके से, वीडियो भी वायरल हो रहा है उसका। तो दारू तो पूरा चल रहा है, सब जगह बिक रहा है। अब मेन थाना ही से होम डिलीवरी हो रहा है, बॉर्डर को क्यों नहीं सील किया जाता है? हम तो लगातार बोल रहे हैं कि बॉर्डर को सील किया जाए, चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे यूपी का हो, या झारखंड का हो, या बंगाल का हो। ये तो बॉर्डर को सील करना चाहिए चारों तरफ से। शराब आ कहाँ से रहा है?